हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? करेक्टिंग। आप ये बोल सकते हो कि रेक्टिफिकेशन का मतलब करेक्टिंग अ मिस्टेक, जो आपकी गलती है उसको सही करना ही क्या बोला जाता है? रेक्टिफिकेशन बोला जाता है। मतलब आपसे कुछ गलती हो गई है, उसको आपको सही करना है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो बेटा अकाउंटिंग में जो एरर्स होते हैं, बेसिकली वो एरर्स पता कब चलते हैं? वो एरर पता चलते हैं जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। आपने ये चैप्टर किया है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जब हम बना रहे होते हैं उस टाइम पर ये एरर हमारे सामने आ जाते हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे ना उस टाइम बेटा ये एरर हमारे सामने आते हैं। तो ये एरर जो है इनको वो दो टुकड़ों में बांट देते हैं जो एरर्स होते हैं। मैंने आपको बोला था कि जब मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कराऊंगा तभी मैं आपको एरर के बारे में बताऊंगा। ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको एरर के बारे में नहीं बताया था। तो बेटा ट्रायल बैलेंस के बनाते टाइम कुछ एरर सामने आते हैं, कुछ गलतियाँ सामने आती हैं। तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक एरर होते हैं एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं, जो उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर डाल रहे हैं। दूसरे ऐसे एरर होंगे एरर्स Do not affecting trial balance. Do not affecting trial balance. तो एक एरर तो कौन से हो गए जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और एक एरर ऐसे होते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, उसको हम बोलते हैं एरर्स डू नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। सर इसका मतलब क्या है कि कौन सा अफेक्ट करेगा और कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा? तो बेटा ऐसा है कि ट्रायल बैलेंस आपने सीखा, आपने ट्रायल बैलेंस सीखा, आपको मैंने ट्रायल बैलेंस सिखाया, बड़े अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उसके। तो उसका कुछ फॉर्मेट इस टाइप से होता है, पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट रुपीस, ऐसे ही आपने फॉर्मेट बनाया। तो मैंने आपको बताया लास्ट में ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा, वो टोटल जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होता है। टोटल क्या होता है? इक्वल होता है। इनका जो टोटल होगा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, ये टोटल क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर इसका टोटल जो है इसका टोटल इक्वल नहीं आता, अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल नहीं आता, यानी कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस के अंदर हम लोग ये मान लेंगे कि जो एरर है, जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। जो एरर है वो क्या कर रहा है? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले जो एरर हैं आपके, दूसरे जो एरर हैं वो ऐसे होंगे जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। सर वो कैसे? बेटा वो ऐसे होंगे कि वो हमारे को ट्रायल बैलेंस बनाने से पता नहीं चलेंगे, वो हमारे को ट्रायल बैलेंस बनाने से पता नहीं चलेंगे। तो अगर इसका टोटल मैच नहीं होता, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं होता, तो हमें जो पता चलती है कि कुछ गलती हुई है तभी मैच नहीं हुआ। तो जो गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पता चल जाए, जो गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पता चल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और इनका दूसरा नाम होता है बेटा, इनका दूसरा नाम होता है वन साइडेड एरर। इसको हम कौन से एरर बोलते हैं? वन साइडेड एरर। मतलब कि एक साइड के एरर होते हैं, या तो डेबिट साइड के या फिर क्रेडिट साइड के। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम आपको पता चल जाते हैं, ठीक है।
और कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने से भी आपको पता नहीं चलते। मतलब ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो गया, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब भी ये नहीं है कि आपका कोई एरर ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को बनाते टाइम पता नहीं चलते। तो जो एरर ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम आपको पता नहीं चल रहे, उसको हम बोलते हैं एरर्स डू नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, टू साइडेड, इसको हम बोलते हैं टू साइडेड एरर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, टू साइडेड एरर्स। ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते उसको तो बोलते हैं टू साइडेड एरर, और जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वन साइडेड एरर। समझ आया यहां तक? अब हम आगे बात करते हैं कि एरर्स कौन कौन से हैं, कि एरर कौन कौन से होते हैं और कौन से वन साइडेड में काउंट होते हैं और कौन से टू साइडेड में काउंट होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं अब एरर्स कौन से हैं। तो बेटा सबसे पहला जो एरर है, सबसे पहला जो एरर है वो है एरर ऑफ ओमिशन। पहला जो एरर है उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। क्या बोलते हैं इसको, एरर ऑफ ओमिशन, इसको क्या बोलते हैं, भूल जाना। तो बेटा अब ये एरर हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये वन साइडेड है या टू साइडेड है, ये वन साइडेड है या टू साइडेड है। अगर ओमिशन जो है, अगर ये जो भूलना है ये रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो रहा है, अगर ये कहाँ पे हो रहा है, रिकॉर्डिंग में, अगर ये ओमिशन कहाँ पे हो रहा है, रिकॉर्डिंग में, तो इसको हम कौन सा एरर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टू साइडेड एरर। इसको हम कौन सा एरर बोलेंगे तब, टू साइडेड एरर। अगर रिकॉर्डिंग में यानी कि जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स के अंदर कोई गलती हो जाती है, सब्सिडरी बुक्स के अंदर यानी कि आपकी परचेज बुक, सेल बुक, इनके अंदर कोई गलतियां होती है, जर्नल में कोई गलती होती है, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, टू साइडेड एरर, या आप इसको दूसरा नाम बोल सकते हो, फुल ओमिशन। इसको क्या बोलते हैं, फुल ओमिशन, मतलब पूरी तरह भूल जाना, उसकी कहीं पर भी एंट्री ही नहीं की। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग आप कहाँ करते हो, जर्नल में। इसमें क्या होगा, आप जर्नल एंट्री करना ही भूल जाओगे, जर्नल एंट्री करना ही भूल जाओगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग का एरर, और ये कैसा एरर होगा, टू साइडेड। दूसरा होता है इसका पार्ट पोस्टिंग में। अब ये एरर कहाँ पे हो रहा है, ओमिशन का एरर कहाँ पे हो रहा है, पोस्टिंग में, मतलब कि जब लेजर में इसको पोस्ट किया जा रहा था तो वहां पोस्ट करना भूल गए, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे गलती होगी लेजर में। कहाँ पे गलती हो रही है, लेजर में, मतलब कि एक साइड पे होगा। जैसे अगर आपने गुड्स परचेस की राम से, गुड्स परचेस करी राम से, तो उसको अगर वो बोलता है कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, मैंने राम से गुड्स परचेस करी लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, रिकॉर्डिंग का एरर। लिखा हुआ आ रहा है ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, आपको ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि एरर रिकॉर्डिंग का है या फिर पोस्टिंग का है। पोस्टिंग के साथ लेजर वर्ड यूज होगा या फिर अकाउंट वर्ड यूज होगा, क्या वर्ड यूज होगा, या तो लेजर या फिर अकाउंट। इस एरर को हम कौन सा बोलते हैं, इस एरर को बोलते हैं वन साइडेड एरर। कौन सा एरर बोलते हैं, वन साइडेड एरर बोलते हैं इसको, क्लियर, इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर। एग्जाम्पल इसका एक लिखवाता हूं बेटा, नोट करते रहना, क्योंकि चार नंबर का आपका ये चैप्टर है, नोट करते रहना, आपको मैं बताता रहूंगा कैसे आपका जो एरर है वो आइडेंटिफाई करना है आपने। आज हम सिर्फ और सिर्फ टू साइडेड एरर के बारे में बात करेंगे, टू साइडेड एरर के बारे में बात करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे टू साइडेड एरर्स। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ मैं एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब आप लिख देना, भूल जाना, भूल जाना। ओमिशन का मतलब क्या होता है,
भूल जाना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लिखा हुआ कैसे आएगा, लिखा हुआ आएगा गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ओमिटेड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड ₹5,000 की आपने गुड्स परचेस करी थी राम से, गुड्स परचेस फ्रॉम राम ₹4,500 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बेटा अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब यहां पे क्या है, ये कौन सा एरर है, ये आपका टू साइडेड एरर है, कौन सा एरर है, टू साइडेड एरर, रिकॉर्डिंग का एरर है बेटा ये। इसको अब करेक्ट कैसे करेंगे, अब देखो मैं बोलता हूँ मैंने राम से सामान खरीदा लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, गलती क्या हुई है, गलती क्या हुई है, आपने राम से सामान परचेज किया लेकिन आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, आप रिकॉर्ड करना भूल गए। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी बात है, गुड्स परचेज का मतलब क्या होता है, गुड्स परचेज का मतलब क्या होता है, परचेजेस, और परचेजेस आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस, परचेजेस आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। दूसरी बात, परचेज किससे की है, राम से, तो राम आपका क्या बनेगा बेटा, राम आपका बनेगा क्रेडिटर, और क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी होती है तो बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। अब मैं बोलता हूं कि आपका नाम था और मैं आप अटेंडेंस रजिस्टर में आपका नाम चढ़ाना भूल गया, अटेंडेंस रजिस्टर में मैं आपका नेम नोट करना भूल गया, तो मेरे से गलती क्या हुई है कि मैं आपका नेम नोट करना भूल गया। तो अब इसको सही कैसे कर सकते हैं, सही कैसे करूंगा मैं, सर सिंपल सी बात है आपसे गलती ये हुई कि आप मेरा नाम रजिस्टर में नोट करना भूल गए, तो आप ऐसा करो कि जो भी मेरा नाम है वो आप रजिस्टर में नोट कर दो, आपकी गलती सही हो जाएगी, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे भी देखो यहाँ गलती क्या हुई है, वो कहता है जी मैंने राम से सामान खरीदा लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, लिखना ही तो भूला, क्या दिक्कत है आपको, लिखना भूला तो क्या दिक्कत है, लिख देते हैं, लिखना भूल गया तो क्या दिक्कत हो गई, लिख देते हैं हम। अब राम हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट, बेटा प्रॉपर आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाना है जैसे पहले बनाते थे, जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट बनाना है, मैं आपको यहाँ अभी सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, आपने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम 5,000। लो जी रेक्टिफिकेशन हो गया, आपसे गलती हुई थी, आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, मैंने गलती को क्या कर दिया, सही कर दिया, गलती को क्या कर दिया, सही कर दिया, ठीक है। और एग्जांपल लेना है बस, इसके अंदर सिर्फ सिंपली आपको क्या करना है, अगर एरर ऑफ ओमिशन आता है रिकॉर्डिंग में तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी सिर्फ वही एंट्री आपको करके दिखा देनी है, वही एंट्री आपको करके दिखा देनी है। दूसरे नंबर पे आपका आएगा एरर ऑफ कमीशन में आपको अब क्या करना है सर, बेटा एरर ऑफ कमीशन का मतलब है रॉन्ग अमाउंट इज यूज्ड इन रिकॉर्डिंग। आपने रॉन्ग अमाउंट जो है वो यूज कर लिया है रिकॉर्डिंग के टाइम, या मैं आपको सिंपल कर देता हूं अभी, रॉन्ग अमाउंट इज यूज्ड। फिर इसके दो पार्ट करेंगे, रॉन्ग अमाउंट इज यूज्ड, जैसे कि मैंने किसी से ₹5,000 का सामान खरीदा लिखते टाइम गलती से 50,000 कर दिए, जीरो फालतू लगा दी, सामान खरीदा 5,000 का लिखने में गलती से ₹500 लिख दे, जीरो कम लगा दी, ऐसी गलती हो सकती है नहीं हो सकती, ऐसी गलती हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है,
ऐसी गलती भी हो सकती है, रॉन्ग अमाउंट लिखा जाता है आपसे, भाई 5000 का सामान खरीदा था, गलती से 50000 लिख दिया या गलती से 500 लिख दिया, तो ये गलती हो जाती है कई बारी। तो इसको क्या बोलेंगे कि कब ये वन साइडेड है और कब ये टू साइडेड है। कहानी वही आपको याद रखनी है पुराने वाली कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती हो रही है रिकॉर्डिंग में, गलती हो रही है रिकॉर्डिंग में या फिर गलती हो रही है पोस्टिंग में, गलती हो रही है रिकॉर्डिंग में या फिर गलती हो रही है पोस्टिंग में। अगर गलती आपसे हो जाती है रिकॉर्डिंग में तो इसको हम कौन सा एरर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टू साइडेड एरर। कौन सा एरर बोलेंगे, टू साइडेड एरर। बेटा एरर वही होता है, वही टू साइडेड है, वही वन साइडेड है, बस फर्क है कि वो गलती किस टाइप की है, गलती कहाँ हो रही है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वो एरर वन साइडेड है या टू साइडेड है। अगर गलती होती है रिकॉर्डिंग के अंदर तो उसको हम कौन सा एरर बोल देते हैं, टू साइडेड एरर बोल देते हैं, और अगर गलती होती है पोस्टिंग के अंदर तो इसको हम कौन सा एरर बोलेंगे, वन साइडेड एरर। इसको हम कौन सा एरर बोल देंगे, वन साइडेड एरर। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं लेजर या फिर अकाउंट वर्ड दिखाई देगा, जब इसके बारे में वो बात करेगा तो वहाँ पे गलती की जो ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर लेजर या फिर अकाउंट वर्ड यूज होगा, तो इसका मतलब वो पोस्टिंग की गलती है, पोस्टिंग की गलती है तो इसका मतलब वो वन साइडेड है। और अगर गलती हो रही है रिकॉर्डिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर गलती हो जाती है तो इसका मतलब वो कौन सा है, टू साइडेड एरर है। क्लियर। अभी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, वही वाला एग्जाम्पल उठाता हूँ, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम फोर रुपीज 5000 recorded in books as rupees 50000 recorded in books as rupees 50000। अब बेटा देखो ये क्या है, recorded, इसका मतलब कौन सा error है, ये recording का error हो गया, recording में error आ गया ना, ये recording में गलती हो गई, रिकॉर्डिंग में गलती हुई तो मतलब कौन सा एरर हुआ, टू साइडेड एरर हो गया। कौन सा एरर हो गया, टू साइडेड एरर। क्लियर। अब देखो मैं आपको पहले सही बताता हूं कि क्या होना चाहिए था, पहले आपके माइंड में सही एंट्री होनी चाहिए। तो गुड्स परचेज का मतलब क्या होता है, परचेजेस, क्या मतलब होता है, परचेजेस, अगर बढ़ेगी तो डेबिट और अगर कम होगी तो क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे राम क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, तो अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट और अगर कम होगा तो डेबिट, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट और अगर कम होगा तो डेबिट। अब देखो पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको ये करेक्ट एंट्री नोट करनी है। करेक्ट एंट्री कहाँ पे नोट करेंगे हम, वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में आपको करेक्ट एंट्री लिख के देखनी है। वर्किंग नोट में आप क्या करोगे, सही एंट्री आप नोट करके देख लोगे, जर्नल के फॉर्मेट में नहीं, वर्किंग नोट बनाना है आपको अलग से, वहां पे करेक्ट एंट्री करके देखनी है। इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। कितने से एंट्री होनी चाहिए थी, 5000 से। कितने से एंट्री होनी चाहिए थी, 5000 से। लेकिन आपने, ये वर्किंग नोट चल रहा है, आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी बेटा, गलती से आपने क्या एंट्री कर दी वहां पे, आपने गलती से क्या एंट्री करी है वहां, आपने गलती से एंट्री कर दी वहां पे, एंट्री तो सर हमने सही करी है, एंट्री तो हमने सही करी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन अमाउंट में गलती कर दी, अमाउंट में कितना लिख दिया, 50000 लिख दिया, अमाउंट में कितना लिख दिया, 50000। तो अब इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे, परचेजेस के अंदर लिखने थे 5000,
गलती से लिख दिए 50,000, राम के अंदर लिखने थे 5,000, गलती से लिख दिए 50,000, तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, वो आपने सोचना है। तो यहां देखो, जो चीज डेबिट से बढ़ेगी, जो चीज डेबिट से बढ़ेगी वो कम कहां से होगी, क्रेडिट से। यानी कि मैं अगर आपको ये बोलना चाहूं कि जिस चीज को आप प्लस करते हो डेबिट से, तो माइनस कहां से करोगे, क्रेडिट से। और जिस चीज को आप क्रेडिट करते हो इंक्रीज करने के लिए, या जो चीज इंक्रीज होती है क्रेडिट से या प्लस होती है क्रेडिट से, तो वो डिक्रीज यानी कि माइनस कहां से होगी, डेबिट से। अकाउंट्स के अंदर प्लस माइनस का मतलब आपने डेबिट क्रेडिट से देखना है, आपने प्लस माइनस का मतलब डेबिट क्रेडिट से देखना है। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये आपका सॉल्यूशन है बेटा, ये वाली जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है ये आपको जर्नल के फॉर्मेट में करके दिखानी है, जर्नल के फॉर्मेट में करके दिखानी है। देखो, अब परचेज को डेबिट तो होना चाहिए था 5,000 से, लेकिन वो गलती से डेबिट कितने से हो गई, 50,000 से। उसको डेबिट होना चाहिए था 5,000 से, गलती से डेबिट कितने से हो गई, 50,000 से। तो जब भी ऐसा हो जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट लिखा जाए, तो आप एंट्री को उल्टा कर देना, एंट्री को क्या लिखना है, रिवर्स कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब परचेज को कम करना है, परचेज को लिखना था 5,000 लेकिन लिखा कितना, 50,000, तो इसका मतलब परचेज को कम करना है और राम को भी कम करना है। कितने पे लेके आना है, 5,000 पे। तो अगर मैं इनमें से 45,000 माइनस कर दूं, इन दोनों में से 45,000 माइनस कर दूं, तो 5,000 बच जाएगा। तो अब माइनस कैसे किया जाएगा सर, बेटा माइनस सिंपल ऐसे होगा, यहां पे हमने राम को क्या किया, क्रेडिट किया, तो अगर मैं यहां पे राम को डेबिट कर देता हूं, राम को डेबिट कर देता हूं 45,000 से, तो राम का क्रेडिट बैलेंस था 50,000, डेबिट बैलेंस हो गया 45,000, तो अगर माइनस करेंगे तो 5,000 का क्रेडिट बच गया, एंट्री सही हो जाएगी। दूसरी बात, परचेज को डेबिट होना चाहिए था 5,000 से, लेकिन वो डेबिट कितने से हो गई, 50,000 से, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, परचेजेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 45,000 से, 45,000 से। समझ गए बात को, समझ गए ना बात को, ठीक है। इसका दूसरा बताता हूं, दूसरा बताता हूं आपको मैं, जिसके अंदर अमाउंट गलत लिखा जाता है, अमाउंट गलत लिखा जाएगा, लेकिन अब कम लिखेंगे, अब कम लिखेंगे, अगर कम लिखा जाए तो कैसे करेंगे वो देखना आपको। अगर कभी गलती से आपने अमाउंट कम लिख दिया तो उसको कैसे करना है, यहां पे आपने रिकॉर्डेड इन बुक्स एज रुपीज 500, राम से समान परचेज कितने का किया आपने, राम से समान परचेज कितने का किया, 5,000 का, लेकिन वो कहता है कि जी गलती से बुक के अंदर लिखा कितना गया है, 500, लिखा कितना गया है, 500। सेम वही काम आपको करना है, सबसे पहले लिखनी है करेक्ट एंट्री, सबसे पहले लिखनी है करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगी, सेम सर वही, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम कितने से, 5,000 से। ये एंट्री होनी चाहिए थी सही में, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, गलती से एंट्री क्या हो गई वहां पे, रॉन्ग एंट्री क्या हुई, रॉन्ग एंट्री हो गई यहां पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, अमाउंट यहां पे बेटा गलती से उससे कितना लिखा गया है, 500, अमाउंट कितना लिख दिया गलती से बेचारे ने, 500 लिख दिया, 500 लिख दिया, लिखना कितना था 5,000, लिख कितना दिया 500। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, इसका रेक्टिफिकेशन आपके माइंड में चल रहा होगा अब अपने आप से। अब यहां पे रेक्टिफिकेशन क्या होगा, रेक्टिफिकेशन ये होगा कि परचेज को डेबिट होना चाहिए था कितने से, 5,000 से, लेकिन वो डेबिट कितने से हुई है, 500 से। तो इसका मतलब मेरे को इसको 4,500 से और डेबिट करना पड़ेगा, तब सही होगा ना। डेबिट होना चाहिए था 5,000 से, लेकिन वो डेबिट हुआ कितने से, 500 से। तो इसका मतलब उसको अभी और डेबिट होना चाहिए कितने से, 4,500 से। तो आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, परचेजेस को और डेबिट कर देंगे, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 4,500 से।
और साथ ही साथ राम को क्रेडिट कितने से होना चाहिए था, 5000 से, लेकिन गलती से वो क्रेडिट कितने से हुआ है, 500 से। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, राम को और क्रेडिट कर देंगे, राम को और क्रेडिट कर देंगे कितने से, 4500 से। क्लियर बेटा, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीन क्वेश्चन आप लोग सेल्फ ट्राई करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट एरर के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।